दोस्तों आपने लास्ट ईयर रेसलमेनिया 39 तो देखा होगा जो कि हॉलीवुड थीम के साथ था, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि उस इवेंट से WWE वालों को कितनी कमाई हुई थी? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों दरअसल WWE ने हाल ही में ट्विटर पर यह क्लियर बता दिया है कि रेसलमेनिया 39 से कंपनी की कमाई $215 मिलियन हुई है। जी हाँ दोस्तों, मतलब दोस्तों अगर $215 मिलियन को इंडियन रूपी में कन्वर्ट किया जाए तो ये लगभग 17 अरब से भी ज्यादा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा नंबर है, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। मतलब देख रहे हो WWE कमाई के मामले में तो कहीं से भी पीछे नहीं है, भले ही उनकी व्यूअरशिप में गिरावट आ जाए लेकिन पैसा छापने में तो ये एक नंबर है। और अब दोस्तों यही नहीं बल्कि इसी पर अपने वाइसमैन पॉल हेमन ने इन सब का शेयर रोमन रेंस को दिया। जी हाँ दोस्तों आप पॉल हेमन का ट्वीट देख सकते हैं जहां पर इन्होंने रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 टॉप स्टार होने और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया है। मतलब दोस्तों पॉल हेमन हर बार की तरह एक बार फिर से ट्राइबल चीफ को WWE में टॉप पर बैठने के लिए धन्यवाद दिया है। वैसे दोस्तों रोमन रेंस भी पीछे थोड़ी है, उन्होंने भी ट्विटर पर दी ओनली वन लिखा है, मतलब कि वही है सिर्फ जिन्होंने WWE को इतना फायदा दिलाया बिजनेस में। वैसे दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है WWE की इतनी कमाई होने पर, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं एलन नाइट के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त एलन नाइट WWE में काफी अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ महीनों से फैंस की तरफ से भी उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इस बार तो एलन नाइट ने तो काफी लंबी छलांग लगा दी है। जी हाँ दोस्तों दरअसल इस बार एलन नाइट ने रोमन रेंस, कोडी रोड, दी यूसोस और यहाँ तक कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन जैसे काफी बड़े बड़े सुपरस्टार को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों मर्चेंडाइज सेल में इस बार इन सबसे काफी ज्यादा आगे है। जी हाँ दोस्तों रेसलनॉमिक्स के अनुसार नाइट पूरी जुलाई में मर्चेंडाइज सेल के मामले में सबसे आगे हैं और इन्होंने टॉप सुपरस्टार को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब दोस्तों इससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एलन नाइट अभी WWE के टॉप सुपरस्टार है नहीं, लेकिन फिर भी फैंस ने इनका सामान खरीद कर ये बता दिया है कि वो कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उनको। और अब दोस्तों WWE को भी इसका अंदाजा हो गया होगा और अब तो जाहिर है कि समर स्लैम में या उसके बाद से हो सकता है इनको एक तगड़ा पुश जरूर मिलेगा। वैसे दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है एलन नाइट के इस रिकॉर्ड पर, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त काफी ज्यादा लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या जे उसो रोमन रेंस को दोबारा से हराकर नए चैंपियन बन पाएंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों इस पर मैंने अपनी पिछले कुछ वीडियोस में बता चुका हूं कि अभी के लिए तो जे उसो रोमन रेंस को हराने वाले नहीं है, लेकिन इस मैच में आपको बहुत से ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल सकते हैं जो कि आपको सरप्राइज कर सकते हैं। और दोस्तों इसी मैच पर सेथ रॉलिंस से एक इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि क्या जे उसो को रोमन रेंस के ऊपर जीत मिलनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इस पर सेथ रॉलिंस का कहना है कि अगर मेरे हाथों नहीं तो जे उसो के हाथों उनकी हार होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों सेथ रॉलिंस तो पूरी तरह से जे उसो का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि इस मैच में ट्विस्ट टर्न्स देखने को मिल सकते हैं, तो दोस्तों इसी पर एक टर्न जिमी उसो भी ले सकते हैं जे के ऊपर। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल जिमी तो इंजर है, लेकिन कितने फैंस को उम्मीद है कि जिमी अपना सरप्राइज रिटर्न समर स्लैम में करके जे उसो का साथ देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा होगा या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन अभी जो कि काफी ज्यादा हाई चांसेस है इसके कि जिमी जे को धोखा देने वाले हैं और इसके पीछे का रीजन रोमन रेंस ने जिमी उसो को पहले ही बता दिया था कि जे उसो के वजह से ही जिमी को इतनी सफलता नहीं मिली है। पहला रीजन तो दोस्तों यही हो गया और दूसरा ये है कि कुछ हफ्तों पहले जे और जिमी को लेकर बात हो रही थी कि वो आपस में एक बार मैच लड़ने वाले हैं। तो दोस्तों इससे तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि रोमन रेंस जब जे उसो को हराएंगे तो उसमें जिमी उसो का काफी बड़ा रोल होने वाला होगा, जिससे कि समर स्लैम के बाद तो रोमन रेंस ऐसे ही एक लंबे ब्रेक पर जाने वाले हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि WWE रोमन रेंस के जाने के बाद जे उसो और जिमी उसो के बीच एक तगड़ी स्टोरी लाइन की शुरुआत कर सकती है, और इसको तो दोस्तों जाहिर है कि हर एक रेसलिंग फैंस देखना पसंद करेगा। वैसे दोस्तों क्या आप दी उसोस के बीच की स्टोरी लाइन देखना पसंद करेंगे या नहीं, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, जिससे कि आपको ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलती रहे।